नमस्ते। नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया समिट के दूसरे एडिशन में बस अब कुछ ही वक्त बचा है। राइजिंग इंडिया यानी वो मंच जहां देश के दिग्गज अपने विचार साझा करते हैं। इस मंच से आप उन पॉलिटिशियंस, नीति निर्माता, उद्योगपति, खिलाड़ी, अभिनेता और बुद्धिजीवियों को सुनते हैं जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इस साल राइजिंग इंडिया में चर्चा होगी राजनीति से परे देश हित की बात पर। पिछले साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग इंडिया का एजेंडा तय करेंगे, तो शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से ही करते हैं। पिछले साल राइजिंग इंडिया के मंच पर उन्होंने बताया था कि आखिरकार उनके लिए राइजिंग इंडिया का मतलब क्या है। साथियों, जब हम राइजिंग इंडिया कहते हैं तो पहला भाव अंधेरे से उजाले की ओर जाने का आता है। हम जहां थे, जिस स्थिति में थे, उससे आगे बढ़ने, बेहतर भविष्य की ओर जाने का भाव स्वाभाविक उभर करके आता है। सवाल ये कि फिर राइजिंग इंडिया क्या है? सिर्फ अर्थव्यवस्था की मजबूती राइजिंग इंडिया है? सेंसेक्स का रिकॉर्ड स्तर पर होना, ये राइजिंग इंडिया है? विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर होना, क्या ये राइजिंग इंडिया है? या फिर रिकॉर्ड विदेशी निवेश आना, ये राइजिंग इंडिया है? साथियों, राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना, देश के आत्मगौरव का राइज होना। जब इन्हीं 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति एकजुट हो जाती है, उनके संकल्प एक हो जाते हैं, तो असाध्य भी साध्य हो जाता है, असंभव भी संभव बन जाता है। देवी और सज्जनों, चाहे देश का उदय हो या फिर किसी समाज और व्यक्ति का, अगर बराबरी का भाव नहीं होगा तो न संकल्प सिद्ध होंगे और न ही समाज। और इसलिए अगर एक विजन के तौर पर देखें तो हमारी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर असंतुलन के इस भाव को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, कॉरपोरेट जगत में एक बात प्रचलित है कि यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। हमने भी न सिर्फ इस मंत्र को अपनी कार्य पद्धति में अपनाया है, बल्कि इसे हम और भी आगे लेकर के गए हैं। मेजर टू मैनेज एंड मैनेज टू क्रिएट मास मूवमेंट। जब मास मूवमेंट बनता है, जब व्यापक स्तर पर सरकार और जनता की भागीदारी होती है, तो उसके रिजल्ट भी बेहतरीन होते हैं, दूरगामी होते हैं। मैं आपको देश के हेल्थ सेक्टर का उदाहरण दूंगा। हम हेल्थ सेक्टर को मल्टी सेक्टोरल तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसमें 4 पिलर्स पर ध्यान दे रहे हैं: प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन, मिशन मोड इंटरवेंशन। हमने इन चारों विषयों पर एक साथ फोकस किया है। देश में हेल्थ केयर के लिए सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री हो और वो अकेली ही काम करती रहे तो इससे सिर्फ साइलोस बनते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। हमारा प्रयास रहा है नो साइलोस ओनली सॉल्यूशंस। इसका परिणाम देखिए कि 2014 तक पूरे भारत में 6.5 करोड़ शौचालय थे, लेकिन अब 13 करोड़ घरों में शौचालय है, यानी 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। आज देश में सैनिटेशन कवरेज 38% से बढ़कर करीब करीब
80% हो चुकी है। यह बढ़ोतरी भी 2 गुना से ज्यादा है। और अब 1981 में आप देखिए, ये 1% था, आज वो 78 पहुंचा है और 2014 तक ये 39 था। काम का स्केल और रफ्तार, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। देश के लोगों में, देश को चलाने वाली व्यवस्थाओं में किस तरह का एक हौसला पैदा हुआ है, एक भरोसा आया है। जो परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर भारत आगे बढ़ सकता है। पिछले साल राइजिंग इंडिया समिट में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन के लिए खूब तालियां बजी थी। राफेल विमान पर उठ रहे विवादों के बीच देश की पहली महिला रक्षा मंत्री ने हर सवाल का सामना बखूबी किया और आखिर में वो अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ सेल्फी लेना भी नहीं भूली। यू मेड एन इम्पैशन्ड प्ली फॉर मेक इन इंडिया इन डिफेंस अबाउट किक स्टार्टिंग इंडियन इंडस्ट्रीज एंड देम हेल्पिंग द डिफेंस सप्लाई चेन, बट हैज इट रियली किक्ड ऑफ? बिकॉज गवर्नमेंट्स ओन डेटा सीम्स टू सजेस्ट दैट आउट ऑफ द 144 कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन आउट इन द लास्ट 4 years, the average delay is about 52 months. The accepted delay in defense contracts is about 13 to 16 months. So has there been a mismatch between what has been promised and, as the opposition says, the slogans and what is actually translating on the ground? Well, I'm not so much worried about the opposition saying. Sure. But it is a reality that even if we open up, there are times when you're working under a given framework of rules or under a policy which itself needs a bit of tweaking. And that's why, even as I said in my opening statement, Make in India, the Prime Minister announces from the ramparts of the Red Fort, after which we have made some policy changes. But as we go along, when we hear from the stakeholders that more is to be done, we have kept changing, and that is why we are now very confident that the changes with which the new defense procurement policy is going to be announced sooner, a lot more of what has been the takeaways from the interaction from the stakeholders will be incorporated and will make it even more simpler. And even as it is, I think a few things have been announced. Nearly 21 such projects have been taken out to be given to the Indian private sector. Sure. And also we have said you don't have to wait for us to announce an acceptance of necessity for something that we want. Instead, if you think you have something to contribute, suo moto, you can come and we will take on that idea. Third, we have also made a very clear sort of commitment that if after the trials are proven that your product is good enough, we shall not retract our commitment. Okay. So that is something which will give confidence to the investors. You're the first ever woman Raksha Mantri. You broke a glass ceiling by assuming that post. Many are now asking the question, we now have women fighter pilots. When are we going to see women in combat roles in the army? I mean, I know this is a long shot. I don't know if it'll happen in your lifetime or mine, but a woman service chief. This is a matter in which I think I've said quite a few times that we are not averse to having women in all activities of the forces. But now the matter is at various levels in different courts all over the country. Whether it relates to those women who are in the short service commission who would want to move over to permanent commission, or other women who have already reached that grey area of having completed the short service and wanting to move, but we have not removed them, we have kept them, are they there or not? Several cases are in the courts. Now, even if I want to take one decision today, I have to understand the implication of that decision on the various cases which are lying in the court. So this is a bit complicated, only to that extent, complicated for nothing else, sure, but the fact that it is still in the court, at different courts.
So we are taking step by step some kind of a position with which end of the day we open it all up for women too. We are not averse to it. आपको याद होगा पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना ही गढ़ गोरखपुर हार गए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी फूलपुर की सीट नहीं बचा पाए थे। इस हार के कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ राइजिंग इंडिया समिट के मंच पर आए थे। इस हार पर उनसे खूब बात हुई। इस पर भी बात हुई कि क्या यूपी के सीएम के लिए नोएडा आना अशुभ होता है, और हां बातचीत में राम मंदिर का मुद्दा भी था। उपचुनाव में एक तो लोकल इश्यू होते हैं, दूसरा कार्यकर्ता और हमारे मतदाताओं के बीच में ये था कि भाई ये तो सीएम की या डिप्टी सीएम की सीट है, यहां तो जीतना ही है। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति निश्चिंत था कि जीतना ही है और हम जीत रहे हैं। तो कोई घर में बैठा रहा, मतदान करने के लिए नहीं गया, डोर टू डोर कन्वेंसिंग के लिए नहीं गया, अन्य तरीके से केवल जीत के आंकड़े काउंट करता रहा। और उसका खामियाजा क्या हुआ कि मतदान का प्रतिशत, पोलिंग परसेंटेज गिरते ही भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर हार के रूप में इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा है। और अब जब ये हो गया है तो हर तरह का विश्लेषण आ रहा है। कोई कह रहा है कि हमने तो योगी जी को साफ मना किया था, नोएडा मत जाओ, नोएडा जो जाता है हार जाता है। आप फिर भी आए दिसंबर में, नोएडा मेट्रो के इनॉग्रेशन के लिए आए और ये हो गया। अब उनको फिर बोलने का मौका मिल गया है, आप इसके बाद भी नोएडा आएंगे? हाँ, मेरा तो नोएडा में बहुत शीघ्र कार्यक्रम लगने वाला है। एक योगी के रूप में अशुभ को शुभ करने के लिए ही मैं जाता हूँ। उत्तर प्रदेश की अराजकता जो अशुभ का प्रतीक था, उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार जो अशुभ का प्रतीक था, उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी जो अशुभ का प्रतीक था, इसी के लिए हमारी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा है जिससे मैं शुभ कर सकूं, और उसी के लिए मैं उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा हूं। ये चुनावी मुद्दा बनेगा फिर से राम मंदिर का मुद्दा? देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, एक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। चाहे फैसला आए या ना आए, देखिए मैं आशावादी हूं और मैं ये मानता हूं कि फैसला आएगा। और आप ये मानते हैं आपके पक्ष में आएगा या हिंदू पक्ष में आएगा? भाई आप ये क्यों मानते हैं कि नहीं आएगा? हम तो सिर्फ अनुभव की बात कर रहे हैं, जो देखा है उसकी बात कर रहे हैं। आप क्यों मानते हैं कि आएगा? भाई मैं उसी अनुभव आधारित, जो आपका अनुभव उसी अनुभव आधारित बोलता हूं कि फैसला आना चाहिए। सौहार्द के लिए, विकास के लिए, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही एक समस्या के पटाक्षेप के लिए। पिछले साल सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए। मंच से उन्होंने अपने राज्य के विकास की योजनाओं का खाका पेश किया। इनमें एक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे। वीर सांघवी से उनकी बेबाक बातचीत हुई। उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता के बारे में भी बात की। I'm going to have to ask you about the Congress president because you've known him since he was a small boy and he was at Doon School and you used to visit and take him out for lunch or whatever on Sundays. You now see him as a grown-up politician. Do you regard him as likely to be the next prime minister? Absolutely. I think so. You know, as I said, people change. Now, I'll tell you a story. When Rajiv Gandhi was the, after Sanjay died, I was then in Parliament also, and he was fighting the Amethi seat. And Amethi was divided into four, and I was looking after one sector. And when he came on the stage, he gave me a little slip about that wide and about that long, and was, four lines were written there. And he said, if I forget in my speech, just prompt me from behind. And 2 years later, I heard him deliver a brilliant speech in the United Nations. So people grow with time, and I think Rahul has done that. I have seen him as a little boy, I've seen him grow, I've seen him come into politics. Everyone has to find their feet. I think he has finally found his feet,
There has been talk of Chandrababu Naidu calling various opposition leaders of the opposition getting together. Is this a likely prospect? Possible, but who meets and which parties get together, of course it will have to be the Congress Working Committee and the President and all who will decide this. But it does show the mood of the nation today. And that is why people are now leaving the NDA and looking at the UP as some sort of a UPA alliance. राइजिंग इंडिया के पहले एडिशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी सबका दिल जीता। उन्होंने ट्रेनों में बिस्तर और कंबल की खराब हालत को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल की भी खूब खिंचाई कर दी थी। मैंने रेल में सफर किया है, कई दफा दिल्ली से जम्मू गया हूँ, जम्मू से दिल्ली आया हूँ। ईमानन आपसे कहता हूँ, जो आपकी एयर कंडीशन कोचेस है वो इतनी गंदी है और जो उसमें वो बिस्तरा देते हैं, अगर कोई बीमार नहीं होगा वहां जरूर बीमार हो जाएगा। मेहरबानी करके इस रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं कहूंगा, मगर जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन सुविधाओं को जरा बेहतर कीजिए। अगर आप उनके तकिए देखेंगे, ईमानदारी से मैं कहता हूं, दोस्त तकियाज शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द ब्लडी। नो, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस पैसेंजर फीडबैक, पर शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा पुराना होगा, डेटेड होगा, पर अगर अभी का है तो मैं फारूक साहब आपसे और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर ये चीज आप हाईलाइट करते हैं तो हम सब के लिए भी सुविधा होती है उस पर एक्शन लेना। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमने एक नया प्रयोग अभी शुरू किया है आदिल जैनुल भाई की मदद लेके, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमने 100 नौजवानों को, युवा युवतियों को एंगेज किया क्वालिटी काउंसिल के माध्यम से कि वो देश की ट्रेनों में घूमे। उनको मैंने कहा आपका कोई काम नहीं है, आप सिर्फ ट्रेन में घूमिए, ट्रेन में क्या सफाई है, ट्रेन में खाना कैसा है, जब स्टेशन आता है तो उतर के देखो स्टेशन कैसा है, क्या क्या चीजें लैकिंग है, क्या क्या चीजें सुधारनी है। अब मुझे 100 लोग बिठाने पड़ रहे हैं टिकट लेके जो घूम के मुझे फीडबैक देंगे, लेकिन अगर यहाँ बैठे हुए लोग, शायद यहाँ एयरलाइन ट्रैफिक ज्यादा होगा, पर आपके चैनल के माध्यम से अगर आप देश भर में ये जागृति लाएं, ट्रेन ट्रैफिक तो हम एक्शन भी ले सकते हैं। सरकार में आप सब जानते हैं एक्शन लेने के लिए कोई बेसिस चाहिए। पिछले साल राइजिंग इंडिया के इनॉग्रल सेशन में नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमन ने एक बात कही थी। उन्होंने मंच से भारत को बड़ी बेरोजगारी के खतरे से आगाह किया था। उनकी ये बात आज एक साल बाद उस वक्त बिल्कुल सच साबित हुई जब खुद सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी के आंकड़े 45 साल में सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। I've been reading a lot about India's demographic position, and everyone agrees on the fact there's going to be a dramatic increase in the working age population in India at the same time that other countries are seeing a big stagnation or decline and working age population, but half of the stories on it say what a tremendous opportunity for India to become the global economic superpower. The other half of the stories say what a catastrophe, we'll never find jobs for all those people. We're talking about mass unemployment. And both of those are possible stories. So India needs to find a way to employ this vast population. It cannot, it is a densely populated country. They're not going to be employed in agriculture. So we need to be talking about growth in other sectors. And probably, despite what I've said about the advantages from the service export focus, India needs to get much more into the global manufacturing game as well. पिछले साल रणवीर सिंह जब राइजिंग इंडिया के मंच पर आए तो झूम रहे थे, नाचते हुए वो मंच पर चढ़े। तमाम विवादों के बावजूद उनकी फिल्म पद्मावत सुपरहिट हो गई थी। राजीव मसंद से उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पहलू पर खुलकर बात की। जिंदा दिल रणवीर सिंह जब मंच से उतरे तब भी नाच रहे थे। रणवीर, लेट्स टॉक अबाउट Padmavat, you know, from the protests by the fringe groups, from the delay in getting certification, from the change of the title. What was it like watching all this from the front lines? It was a very frustrating process because none of this was in my control. All of it was out of my control. It was hugely infuriating
had me livid, full of rage, wanting to act out, wanting to say, wanting to do something about what I was seeing, which I thought was absolutely wrong, but couldn't do anything, you know. Moreover, I was asked to not do anything because they would, and I had to agree at the time. It seemed most likely that if I were to get involved, things would get complicated. And I wasn't really leading the line in the fight back. Right. It was the producers. It was my producer-director. You know, and I had to respect what they asked me categorically to do, which is, you please stay out of it. You don't say anything. Anything you say will get picked up. You know, this matter is going to get worse. We've put so much money into this film, and it may not see a release if this doesn't go our way or we don't sort this matter out. Does that incident, you know, looking back, does that whole incident make you cynical about the state of affairs? It's bizarre. When I watch it, I'm like, I can't believe that this is 2018. Yeah. I found it appalling. First of all, that I was in shock, which turned into rage. Because when the first incident happened on the set... The vandalism. Yes. And the assault on Mr. Bhansali. When I saw visuals of that, I was out of control. I had to be physically held from acting and speaking and doing. I wanted to send a message back. It's the kind of person I am. Ye tha Rising India ka pehla edition. Is baar ye aur bhi shandar hoga. Rising India ka dusra edition 25 aur 26 February ko hai. Umeed hai ki is baar bhi aap hamare saath naye Bharat ke is jashn mein shamil honge. याद रखिएगा इस महीने की 25-26 तारीख को राइजिंग इंडिया समिट।